वेलकम टू क्रैकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है, फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को किस व्यवसाय समूह द्वारा खरीदा जाएगा? तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह फ्यूचर ग्रुप से पूरे खुदरा कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। जो IRL है फ्यूचर ग्रुप से 24,713 कितना 24,713 करोड़ रुपए के थोक और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग कारोबार का भी अधिग्रहण करेगा। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार कौन खरीद रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आपका 29 अगस्त। तेलुगु भाषा दिवस पूरे देश में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु कवि वेंकट राम मूर्ति का जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो किस देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है? ये है आंसर आपका लेबनान। ठीक है, जो लेबनान है वहाँ पे 15,000 से 13,000 कर दिया। ठीक है, जो शांति सेना है वो कितने से 15,000 से 13,000 कर दिया, और किसने किया है? ये UN ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। आज का चौथा क्वेश्चन है आपका, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? ये है नूर इनायत खान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करने वाली नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। ठीक है, इनको कौन सी पट्टी मिली है? पट्टिका नीली पट्टिका मिली है। ठीक है, यह टीपू सुल्तान की वंशज हैं और वह पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिसे कोड नेम मेडलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। ठीक है, तो किसको मिला? नूर इनायत खान को। कौन सी पट्टिका? लंदन में मेमोरियल पट्टिका। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, भारत ने किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है? यह है इंडोनेशिया। ठीक है, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया द्वारा समर्थित एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। ठीक है, जो शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कौन सा देश था वो? इंडोनेशिया। तो 5 क्वेश्चन हैं आपके, इनको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको नेट में मिल सकते हैं, अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। वीडियो बनाने का ये उद्देश्य रहता है कि आप वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको याद बना रहेगा, वो चीज़ आपको याद रहती है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आपको याद हो जाती है वो कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। तो इसी तरह ये वीडियो है, आप सुनते हैं और चीज़ को देखते हैं तो काफ़ी हद तक याद हो जाता है, और आप एक बार पढ़ और लेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो दिया जाता है रोज़ 5 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो मिस ना करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।